हाय गाइस, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं या डिजिटल करेंसीज होती हैं उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे, यानी कि क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं अगर आप क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ करते हैं। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा किसी भी क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने का होता है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। जो भी क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि बिटकॉइन है, अथीरियम है, इसको कोई भी सेंट्रल बॉडी कंट्रोल नहीं करती। तो जो पहला फ़ायदा है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने का वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी अथॉरिटी है वो सेंट्रल नहीं है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे बैंकिंग सिस्टम इंडिया का, उसको एक सेंट्रल बॉडी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें किसी भी सेंट्रल बॉडी की जरूरत नहीं होती और जो सारा का सारा सिस्टम होता है वो अपने आप चलता है। ये एक ट्रस्टलेस सिस्टम है जिसमें किसी भी ट्रस्ट की जरूरत नहीं होती और किसी भी सेंट्रल पार्टी का कोई भी रोल नहीं होता। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें ट्रस्टलेस सिस्टम्स के ऊपर कोडिंग के ऊपर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी की कभी जरूरत नहीं पड़ती और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से इसके ऊपर किसी भी सेंट्रल पार्टी का कोई भी ऐसा, मान लीजिए RBI कल को कोई भी हस्तक्षेप लेके आता है कि ये बैंकिंग ऐसा हो जाएगा, इस पर इतना चार्ज लगेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप वो कह देते हैं कि आपको अपने बैंक अकाउंट में इतना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा तो आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज वो सेंट्रल अथॉरिटी है। सेम जो केस है वो डिसेंट्रलाइज जो एसेट्स होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, उसमें नहीं होता। आपके ऊपर कोई भी ऐसी बाधा या फिर आपको ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि आपको मिनिमम बैलेंस रखना है या आपके ऊपर इतना चार्ज लगेगा। ये एक सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और इसी की वजह से सबसे बड़ा इसका एडवांटेज भी है और इसका फायदा भी है। सेकंड जो इसका फायदा है क्रिप्टो करेंसी का कि ये इंटरनेशनली आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बिटकॉइन है और आप सिंगापुर जाते हैं, वहां पे आप बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट करके कुछ भी आप खरीद सकते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम है। दुनिया भर में बहुत सारे क्रिप्टो के लोग हैं जो इसको जानते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी अभी एक न्यूज़ आई थी कि UK में 26 लाख लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप उन लोगों के साथ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं और किसी दूसरे देश में जाके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रैवलिंग साइट्स हैं जो कि अब क्रिप्टो को एक्सेप्ट करती हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे सुपरमार्केट्स हैं जो कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट करते हैं एज ए मोड ऑफ पेमेंट। तो आप फियट के अलावा वहाँ पे क्रिप्टो में पेमेंट कर सकते हैं और इजीली वहाँ पे सामान खरीद सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं और अपना जो टाइम है वो वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरनेशनल पेमेंट्स की जो दिक्कत रहती थी कि कैसे आप बाहर जाके आपको वहाँ की करेंसी लेनी पड़ती थी और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता था एक्सचेंज करवाने में, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये आपको क्रिप्टो करेंसी सोल्व करके देती है। तीसरी जो इसकी एडवांटेज है वो है लो ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम फीस लगती है। इसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी अभी एक न्यूज़ आई थी कि $2.2 बिलियन के बिटकॉइन को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए सिर्फ और सिर्फ $7 की फीस लगी थी। जी हाँ, अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको इतना बड़ा ट्रांसफ़र किसी बैंक अकाउंट के थ्रू करना होता तो आपको 1-2% की फीस देनी पड़ती, जबकि क्रिप्टो में $2.2 बिलियन का फंड सिर्फ और सिर्फ $7 पे करके आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, जो कि दिखाता है कि क्रिप्टो करेंसीज की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसीलिए जो इंटरनेशनल पेमेंट्स है प्रेफर करी जाती हैं लोगों के द्वारा कि क्रिप्टो में करें, बिकॉज इसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है। जो इसकी नेक्स्ट एडवांटेजेस है क्रिप्टो करेंसी की वो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। जैसा कि आपको पता है कि आप जो UPI एक दिन में सिर्फ 50,000 रुपये का कर सकते हो, यानी कि RBI ने एक लिमिट लगा रखी है कि आप सिर्फ 50,000 में जो UPI है पेमेंट्स कर सकते हो, ले सकते हो या भेज सकते हो। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, आप किसी भी नंबर एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। मान लो आप एक ही वॉलेट से 1,000 बंदों को एक ही दिन में लाखों करोड़ों रुपए भेज सकते हो। उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इतनी ही रहेंगी, 10 ट्रांजेक्शन या 20 ट्रांजेक्शन, जैसा कि आपके साथ बैंक करते हैं कि आप दिन की 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या महीने की 5 ATM ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो आपको फ्री मिलेंगी
और उसके बाद वो आपसे चार्ज वसूलते हैं। ये सारा जो सिस्टम बनाया गया है बैंक्स के द्वारा, ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पैसे वसूलने के लिए बनाया गया है, और इसकी वजह से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज जो है क्रिप्टो करेंसी का, वो है फास्ट ट्रांजेक्शन्स। इंटरनेशनल पेमेंट्स जब हम करते हैं तो 3 से 4 दिन मिनिमम लगते हैं, और कई बार तो 1 से 2 हफ्ते भी लग जाते हैं ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने में इंटरनेशनल में। मान लीजिए आप कनाडा से इंडिया पैसे भेज रहे हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो आपको इतना टाइम लग जाएगा, 3 से 4 दिन तो मिनिमम मान के चलिए। जबकि क्रिप्टो में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसी टाइम हो जाएगी, 1 दिन के अंदर अंदर आपको क्रिप्टो आपकी मिल जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये दिखाता है कि जो क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 3-3, 4-4 दिन का इंटरनेशनल पेमेंट्स का। इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा कि इमीडिएटली पेमेंट्स हो जाएंगी, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा बिकॉज उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट जो इसका फ़ायदा है वो है ट्रांसपेरेंसी। बिटकॉइन जो कि उसकी टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है, आप उसके कोड में जाके जो उनका वाइट पेपर है आप उसको चेक कर सकते हो। बिटकॉइन का जो कोड है वो ओपन सोर्स है, आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो, उस कोड को चेक कर सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टोटल बिटकॉइन होंगे वो 21 मिलियन ही होंगे, और 21 मिलियन से एक भी बिटकॉइन ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। और आप blockchain.info का एक्सप्लोरर यूज़ करते हुए कोई भी ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हो कि किस एड्रेस से कहाँ गई और कितने बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुए, बिकॉज ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर है, इसमें ये सारी एंट्रीज होती हैं, तो कोई भी किसी को धोखा नहीं दे सकता बिकॉज सारी नोड पे वो डाटा अवेलेबल होता है। मान लीजिए राम ने शाम को 10 BTC दिए, लेकिन कल को शाम मुकर जाता है कि मेरे को तो 10 BTC नहीं मिले, तो शाम तो राम क्या करेगा, राम ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाएगा और वहाँ पे चेक करेगा कि ये मेरी ट्रांजैक्शन हुई थी, मैंने आपको 10 BTC दिए थे। तो इस वजह से ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते जैसे बैंक लगा देते हैं कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड बंद करवाना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर आपको चेकबुक लेनी है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह की कोई भी जो एडिशनल चार्जेस हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में नहीं होते, और जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कोड ओपन सोर्स होता है मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज का, और एट द सेम टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कम्युनिटी हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहती है आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जो नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज इसमें वो है हाईली सिक्योर्ड। जो भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो क्रिप्टोग्राफी का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, उसकी वजह से जो इसमें डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन होती है डाटाबेस की, उसको तोड़ पाना सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उसको हैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को हैक कर लिया जाए या फिर उसको चुरा लिया जाए। और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड सिस्टम है। हमने कई बार सुना कि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर साइबर अटैक हो गया और वहाँ से फंड निकाल लिए गए, ऐसा कोई भी अटैक क्रिप्टोकरेंसी पे करना बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, बिकॉज जो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी है, जो क्रिप्टोग्राफी है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से जो इसकी सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपको कोई भी अगर आपको क्रिप्टोकरेंसी यूज़ करनी है तो आपको अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बतानी होगी। आप किसी से भी अपना बिटकॉइन या और क्रिप्टोकरेंसी को खरीद सकते हैं, तो आपको किसी का नाम नहीं पता चलेगा किसी को कि आपके पास ये बिटकॉइन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही बात है कि आप किसी को नहीं चाहते पता चले कि आपके पास इतना पैसा है, तो ये आपकी जो प्राइवेसी है उसको सिक्योर करके रखता है, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। जबकि अगर आप बैंकिंग चैनल को देखें तो आपको अपना नाम और आपकी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेंगी। डिफ्लेशनरी इन नेचर, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो क्रिप्टोकरेंसी को होता है। जैसा कि बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है, और बिटकॉइन की जो हाफनिंग है वो 4 साल के बाद होती रहती है, जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो हाफ होता रहता है। तो होता क्या है कि जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो कम होती जाती है, जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो आगे आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा और जो आपकी वैल्यू है मनी की वो कम होती जाएगी, तो जो भी इन्फ्लेशन आगे आने वाले टाइम में आएगी आप उससे बच सकते हैं अगर आप इसको बिटकॉइन को ले लेंगे, बिकॉज बिटकॉइन को खरीदना आपका एक तरह का हेज है इन्फ्लेशन के खिलाफ। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेशनरी नेचर है, इसका जो कोड है वो इस तरीके से बनाया गया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो इसकी प्राइस है वो बढ़े और जो लोग हैं वो इन्फ्लेशन से बच सकें। तो गाइस ये थे कुछ फ़ायदे जो कि क्रिप्टोकरेंसीज के होते हैं, बिकॉज क्रिप्टोकरेंसीज ने कम्प्लीटली जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उसको हिला के रख दिया।
जो भी फ़िएट करेंसीज़ के जो भी नुकसान होते थे, जो भी लोगों को डिसएडवांटेजेस होते थे, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया है। जो डेवलपर्स है वो अभी भी काम कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी जो भी क्रिप्टो करेंसीज़ में हो रही हैं। और आगे आने वाले टाइम में यूज़र्स को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जो भी इसके एडवांटेजेस हैं और जो भी इसके यूज़ केसेस हैं, जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, लोगों को पता चलेगा, अडोप्शन आएगी, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब हम बात करेंगे नुकसान की, कि क्या नुकसान होते हैं आपको क्रिप्टो करेंसीज़ के यूज़ करने के। जो पहला नुकसान है या डिसएडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी का, वो है लैक ऑफ नॉलेज। जो आम जनता है, मान लीजिए इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें समझ में आता है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या एक्चुअल में, वो किस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, वो कैसे काम करती है, वो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम जो फिएट करेंसीज है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसीलिए हमारा इंस्टीट्यूट में ये इनिशिएटिव रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें, ताकि आप इनेबल्ड हो सकें, ताकि आप अपनी खुद के डिसीजंस ले सकें। बिकॉज हम हमेशा मानते हैं कि डू योर ओन रिसर्च, आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, तभी आप क्रिप्टोकरेंसीज में इन्वेस्ट करिए या फिर ट्रेड करिए। जो इसका दूसरा नुकसान है वो है वोलेटिलिटी। इसमें बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। वोलेटिलिटी का ये मतलब है कि बहुत ही छोटे टाइम स्पैन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। जैसा कि मार्च 12 2020 को हुआ, जो बिटकॉइन 60% तक की जो उसकी प्राइस थी वो डाउन आ गई थी। ये अराउंड $4,000 तक पहुंच गया था। इसकी प्राइस एक ही दिन में क्रैश कर गई $10,000 से, जो कि अगर कोई आम जो नागरिक है या आम जो इन्वेस्टर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत की बात हो सकती है। और हमेशा हम कहते हैं कि आप इसमें उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आप खोना सह सकते हैं, बिकॉज जो भी क्रिप्टोकरेंसीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं और एक ही दिन में 90% तक की जो इनकी वैल्यू होती है वो ख़त्म हो सकती है। तो मान लीजिए आप अगर अपनी जमा पूंजी इसमें लगाते हैं और एक दिन क्रैश आ जाता है, तो वो सारी की सारी जमा पूंजी ख़त्म हो सकती है। बिकॉज ये अभी नया डिजिटल क्लास है, अभी नया एसेट क्लास है, तो इसको अभी मच्योर होने में टाइम लगेगा। तब तक आप इसको समझिए कि कैसे काम करती है और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए। जैसे जैसे डिप आता है वैसे वैसे बाय द डिप कीजिए, खरीदते रहिए और अपनी जो एवरेज आउट करिए प्राइस को, कि जो मेरा जो खुद का जो एवरेज आउट प्राइस है बिटकॉइन का वो $5,000 है। तो हमने थोड़ा थोड़ा जब महंगा था तब भी खरीदा, जब सस्ता था तब भी खरीदा, तो एवरेज आउट प्राइस हमारा $5,000 है। तो आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और देखना चाहिए कि आपको भी कैसे आप इसमें बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट नुकसान है वो है बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास है, बिकॉज इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। जैसा कि मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, उसमें रेगुलेटरीज हैं और वो अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपके जो पैसे हैं आपको वापस दिलाएंगे। लेकिन क्रिप्टो में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो रेगुलेट कर सके। इसकी वजह से अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है तो ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है दुनिया भर में जो कि आपको आपके फंड वापस दिला सके। और इसीलिए बार बार हमारी भी फिनस्ट्रीट में यही मांग रहती है गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए क्रिप्टोकरेंसीज को। अगर रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट तो जो ट्रस्ट है आम जनता का वो क्रिप्टोकरेंसीज में और बढ़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट कर सकती है ब्लॉकचेन एंड डिजिटल करेंसीज के स्पेस में। इसका और जो डिसएडवांटेज है वो है नॉट एक्सेप्टेड वाइडली, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा जगहों पे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप अभी अपनी दुकान पे जाते हैं किराने की, वहाँ पे आप सामान खरीदते हैं और उन्हें कहते हैं कि बिटकॉइन में आप पेमेंट करेंगे, तो वो आपको मना कर देंगे। बिकॉज इंडिया में अभी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इंडिया क्या, पूरे दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे 7-Eleven है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। यूरोप में भी काफ़ी सारी सुपरमार्केट्स हैं जिन्होंने क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और इंडिया में भी आगे आने वाले टाइम में ऐसी कंपनीज आएंगी जो क्रिप्टो का ऐसे पेमेंट मोड एक्सेप्ट करेंगी। लास्ट जो डिसएडवांटेज है या नुकसान कह लीजिए क्रिप्टोकरेंसीज का, वो होता है स्टोरिंग ऑफ क्रिप्टोकरेंसी। क्रिप्टो को कैसे सेफली एंड सिक्योरली आपको सेव करना है, स्टोर करना है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आपको स्कैम करना क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कैम हुए भी हैं। तो आपको जो वॉलेट में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरली आप इसको स्टोर कैसे करें, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रहता है। तो आपको ये समझना होगा। आप क्रिप्टो नाइट जो हमारा इवेंट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हमने अच्छी तरह से दूसरे दिन समझा रखा है, जो सेकंड लेक्चर है हमारा, कि क्रिप्टो को कैसे सेफली सिक्योर करके आपको स्टोर करना है, ताकि कोई भी आपकी क्रिप्टो को उड़ा ना ले जा सके
और आपके ऊपर कोई भी स्कैम ना कर सके। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ लिस्ट में जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं क्रिप्टो करेंसीज के। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई लिस्ट में आइटम्स होनी चाहिए थी या एडवांटेजेस रह गए हैं या डिसएडवांटेजेस रह गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली बार हम इसको ऐड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे किसी भी एसेट क्लास का या फिर किसी भी जो चीज़ होती है उसका कुछ नुकसान नफा नुकसान होता ही होता है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसीज का भी कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्रिप्टो करेंसी ने काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है, एट द सेम टाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां भी बची हुई हैं। तो डेवलपर्स उस पर रेगुलरली काम कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में ये आशा है कि बढ़िया काम होगा और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर लिया जाएगा। आप इस पर जो भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सोच समझ के कीजिए, समझ के कीजिए कि ये कैसे काम करती है। अगर आपको समझना है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है तो आप हमारा जो इवेंट है क्रिप्टो नाइट आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करती हैं और आपको कैसे सिक्योरली आपने जो क्रिप्टो है उसको स्टोर करना है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप किन टॉपिक्स पे हमसे वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप कोई भी जो इम्पोर्टेंट आपकी नोटिफिकेशन है वो मिस ना कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो और फाइनेंशियल मार्केट्स की जो भी न्यू हैपनिंग्स हो रही हैं उसके साथ आप अपडेटेड रहें। थैंक यू।